नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स और फ्री कोर्सेज का अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दो हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं, दोनों हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां भी हम जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरे को आप सभी को बस एक बात और बतानी है, दोस्तों कभी भी आप कोई भी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो तो प्लीज उस इंटर्नशिप को एज अ जॉब लेकर चलिए, क्योंकि यार अगर आप इंटर्नशिप अच्छे से करते हो तो 95% चांसेस होते हैं कि आपकी वो इंटर्नशिप आपकी फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि तो दोस्तों मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक जॉब अपॉर्चुनिटी और एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों मर्कल कंपनी की तरफ से पोस्ट की गई है डेटा साइंस इंटर्नशिप, जैसा कि आप देख सकते हो। यहां दोस्तों एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों 2019, 2020, 2021, 2022 के लिए एलिजिबल है। मींस अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, अगर अभी आप कोई भी अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर इंटर्नशिप में हो तो अभी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। दोस्तों लास्ट एट डेज रह गए हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। डिटेल्स की बात करता हूं तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटर्न, एनालाइज डेटा एंड जनरेट हाइंडली बिजनेस रिपोर्ट्स, एनालाइज क्लाइंट डेटा यूजिंग ईडीए दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, अगर आप ईडीए सीख जाते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मशीन लर्निंग भी यूज करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप डेटा पर काम करते हो तो आगे चलकर दोस्तों डेटा साइंस जो ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम करने वाली है, एंड प्रोवाइड वर्केबल इनसाइट्स टू uplift processes and present them to management with the help of a reporting tool. Utilize data to create AI and ML models to resolve complex business problems. Give helps to analytics process monitoring and troubleshooting. रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूं तो दोस्तों इंक्विजिटिव एंड ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो दोस्तों इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स आर एलिजिबल। तो दोस्तों फाइनल ईयर स्टूडेंट दैट इज 2022 बैच, 2021 एंड 2020 इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको आर, पाइथन, SAS की नॉलेज होनी चाहिए। गुड विद द यूसेज ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स, जो आपको टैबुलर पावर BI भी यूज करना आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ लास्ट डेट 24 जून दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमें दोस्तों आपको उसको रजिस्टर कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो हम ये वाले पेज पर आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ भी दोस्तों इन लोगों ने सारी डिटेल्स दे रखी है जो इन लोगों ने डेयर टू कम्पीट प्लेटफॉर्म पर दे रखी थी। तो दोस्तों हम अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ हमें फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इसका फर्स्ट पेज बता देता हूँ कैसे बनना है, बाकी की डिटेल्स दोस्तों आप अपने आप भर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ फर्स्ट पेज, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म योर ईमेल, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, फोन नंबर, एक्सपीरियंस दोस्तों अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम कर रखा है या फिर कुछ भी है दोस्तों आपको, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। ऑन द वेब दोस्तों आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो, कोई वेबसाइट अगर आपने बनाई है या फिर और भी कोई यूजफुल वेबसाइट हो तो उसको मेंशन कर सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ अपना रिज्यूमे मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट में दोस्तों इन लोगों ने बोला है मैसेज टू हायरिंग मैनेजर। तो दोस्तों जब भी हम कोई मैसेज लिखते हैं तो वो थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको इंटर्नशिप क्यों चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी डेटा से रिलेटेड टूल्स पे काम किया है, लाइक आर, पाइथन, मशीन लर्निंग, BI डेटा एंड कुछ भी गया, तो आप ये ऐसा लिख सकते हो कि सर मैंने अभी ये सब काम कर रखा है, अब मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए जो कि मुझे आप जैसी अच्छी कंपनी में मिल सकता है। तो ऐसे कर दोस्तों अपना मैसेज फ्रेम कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो दोस्तों जल्दी जाइए इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट दे देता हूँ। उससे पहले यार अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो दोस्तों सेकेंड अपॉर्चुनिटी आई है ट्राइम्स कंपनी की तरफ से। दोस्तों ये लोग हायर करने वाले हैं MCA ग्रेजुएट्स को, BE BTEC 2021 पास आउट, CS IT एंड सर्किट ब्रांचेस की बात करता हूँ। तो दोस्तों इसमें ECE, EEE, EEC दोस्तों मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस सारी इंक्लूड हो जाती है। और दोस्तों आपकी 60% होनी चाहिए 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बाकी ये क्या फॉर्म जो आपको फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
ग्रेजुएशन कॉलेज, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, ईयर ऑफ पासिंग दोस्तों, ग्रेजुएशन परसेंटेज। एक बात और दोस्तों, जैसे ही आप ये फॉर्म पूरा फिल कर दोगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे, आप सभी के पास मेल आने वाला है। और जिन जिन के पास मेल आ जाता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स ने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों अगर, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है मकल एंड ट्रांस कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।